हेलो स्टूडेंट्स, एट क्लास। देखो, आज हमने चैप्टर माइंड शुरू किया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, 3x-2=0। फर्स्ट एग्जांपल है। देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। 3x-2=0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। 3x-2=0, ट्रांसफॉर्म दिस -2 टू राइट साइड। जो -2 है वो क्या बन जाएगा, +2। अब ये जो 3 है ये 2 को डिवाइड करेगा, तो राइट साइड लेके आएंगे इसको, तो 2 के नीचे 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 2/3। चलो अब हम इस आंसर को चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है। इस आंसर को चेक करेंगे। चेक करने का मेथड देखो कैसे चेक करेंगे हम। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे दोबारा से, तो हमारे पास ये जो है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 3x-2। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2/3। ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे 2/3। 3 के साथ 3 कैंसिल, 2-2 कितना हुआ, 0। 0 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड, RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS = RHS, विच इज ट्रू। ऐसे करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने, और वैल्यूज को पुट करके चेक करना है और आंसर इज करेक्ट और नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 3x-2/2x-3=-1 एंड चेक द आंसर। आंसर भी चेक करेंगे साथ में। देखो इसमें हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x-2/2x-3=-1। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसके नीचे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 3x-2 × 1 एंड 2x-3 × -1। नाउ 1 इज मल्टीप्लाइड विद बोथ, तो ये अधिक रहेगा हमारे पास, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -2x-1 + 3। अब जो x वाली टर्म है उसको x के साथ सॉल्व करेंगे, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा। इसको इस तरफ ट्रांसफोर्स करते हैं हम, तो -2x इस तरफ क्या हो जाएगा, +2x, और ये -2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। 3x + 2x कितना होता है, 5x। 3 + 2 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5.5, दैट इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। अब हम अपना आंसर चेक करेंगे, x = 1, आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो इसको हम यहाँ इस पर पुट करेंगे, आंसर चेक करेंगे हम, चेक द आंसर। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ में, 3 × 1 - 2, 2 × 1 - 3, 3 - 2, 2 - 3, 3 - 2 = 1, 2 - 3 - 1, आंसर इज -1। तो हमारा RHS कितना है, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, this is equal to right hand side। इसका मीनिंग क्या हुआ, which is
ट्रू। ऐसे करके लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहीं पे सीधा हम ट्रांसपोज मेथड लगाएंगे जिसमें वेरिएबल वन हो, सिंगल पावर हो,